सो गाइस देख सकते हैं कितना नुकसान कर रहा है। सुबह सुबह हमारे खेत से गया है, सब इधर उधर वाले हमारे यहाँ भगा दे रहे हैं। रबर रबर बोल रबर रबर। मम्मी देखने लग गई है मेरा व्लॉग, देखो कैसे हंस रही है अपने आप को देख के। ये देखो गाइस जोधपुरी शीरा, आपने तो दिया नहीं होगा। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत करी मैं सुबह के 5:30 बजे से। अंदर झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर से झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। देखो पूरा आंगन आज गंदा हो रहा है आम के पेड़ से। तो अभी आम का सीजन चल रहा है, किसके किसके यहाँ आम हो रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये देखो हमारे पेड़ों में तो ऐसे हाल हो रहे हैं, बहुत ही कम फल आया है इस बार, 2-3 पेड़ हैं, बहुत ही कम फल आया। सुबह सुबह बैलने से दिमाग ख़राब कराना है हमारे, वहाँ उसमें बाड़े में मिर्ची विर्ची लगा रही है, वहाँ घुसा रहा है। हट हट हट, सो गाइस यहाँ मिर्ची मक्का वगैरह के पेड़ लगा रखे हैं तो यहीं घुस रहा है बार बार, वहाँ वाले यहाँ को भेज रहे हैं, यहाँ वाले ऊपर को। 6 बज चुका है, ये बैल की वजह से ना भाई गोड़े बार बार यहीं हमारे उसमें आ रहा है बाड़े में, इसके वजह से बार बार आना पड़ रहा है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा डंडा लेके। देखो क्या हाल हो गया मेरे सुबह सुबह, फिर यहीं को घूम गया, देखो उसको फिर यहीं को आ गया। ये हाल है इसके, देखो हमारे खेत से जा रहे हैं ना, ये सब चढ़ाएंगे सूरज भगवान जी को जल, तो चलते हैं बाहर। गाइस अभी हमारा नाश्ता बन रहा है, ये है लौकी की सब्जी और मम्मी बना रही है रोटी। सभी मैं रेडी होने लग गई हूँ फिर से आज हॉस्पिटल जाने के लिए मम्मी के साथ, मम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल, तो कुछ ऐसा लुक है आज का मेरा। तो अभी होते हैं रेडी, तो मैं यूज़ करती हूँ डेली यूज़ में ये सनस्क्रीन लोटस की। सो अभी मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, अब मैं लगाऊँगी लिपस्टिक बिंदी और मांग, बस इतना ही मेकअप मेरा आजकल हो रहा है गर्मी में, बस हो गया। ऐसे वरना ना गर्मी इतनी लग रही है कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा फेस पे, हाल खराब हो जा रहे हैं। फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, आज का कुछ ऐसा लुक है मेरा, नीचे मैं पहनी है जीन्स और टी शर्ट और मेकअप तो लाइट ही रखना है, और देख सकते हैं कुछ ऐसे लग रहा है। सो गाइस अभी मैंने निकाल दिया अपनी धन्नो यहाँ से, अब लेके चलते हैं इसको हल्द्वानी की ओर। मम्मी ने भी सामान वामान सारा निकाल दिया है बाहर से, हेलमेट वगैरह, तो अब रखते हैं टीन सेट की चाबी अंदर और चलते हैं। हाँ निकाल के आ गई लो, तो अभी मैं कर रही हूँ अपने धनों की सफाई, थोड़ा सा धूल तो अंदर भी हो ही जा रही है क्योंकि पीछे की साइड की खिड़की खुले रहती है ना, तो हम लोग का सुबह ट्विस्ट। पता चल रबर बोल, रबर बोलूंगा पता चल रहा था, रबर बोलना भाई। अच्छा मैं बोलने के 10 मिलेगा, रबर बोल पहले, रबर बोल 5 रुपए दे दो, चल मैं 5 रुपए दूंगी तो पहले रबर तो बोल के दिखा, रबर 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 गलत बोल रहा है, सोचा 5 रुपए दूंगी, रबर 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 रबर, तू पहले रबर बोलना सीखा, फिर 5 रुपए दूंगी मैं तेरे को, ठीक है जा रबर रबर बोल, रबर 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 जोर से बोलते, क्या बोल रहा है, लबल लबल थोड़ी होता है। सो गाइस मेरे फोन के इतने हालत खराब हो रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, स्क्रीन कार्ड टूट गया था, कवर उसका बहुत खराब हो गया था, बहुत पुराना हो गया था, तो मैंने आज फिर नया कवर डलवाया है हाई आइकन से, जिसमें मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखवाया पीछे से बैकग्राउंड में और प्यारी सी सीनरी लगवाई। आप लोग बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा आप लोग को। उसके बाद हम लोग चले गए लस्सी वगैरह पीने के लिए, थोड़ा काम भी था मंगल। सो गाइस मम्मी को भेज दिया मैंने कूलर के लिए घास लेने के लिए, तो वो चले गई है। सो गाइस ये रही सामने यहाँ से फल वाली मार्केट, यहाँ से आ गया सब्जी मंडी और मम्मी लेने लग गई वहाँ से लीची, वो देख सकते हैं मार्केट में आम आप लोग देख सकते हैं 100 का 2.5 किलो वाले। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर, बनाने लग गए खाना, इसमें रख दिया चावल, इसमें बनाएंगे दाल, और मम्मी देखने लग गई है मेरा व्लॉग, देखो कैसे हंस रही है अपने आप को देख के। सो गाइस अभी मैं जाने लग गई हूँ शॉप को, और
हालत देखो गर्मी से, इतनी तेज की धूप आ रही ना शाम के 4 बजे। आज 2 दिन बाद शॉप की सजा देखने जा रही हूँ मैं। बस आज मैंने अपने फ़ोन में निकाल लिया, यूट्यूब से फोन मार दिया, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस कप्पू का हाथ पर लगाते हैं, अभी मेहंदी सुंदर थी। सो गाइस कुछ ऐसा सा तो बना दिया है, अभी थोड़ा और बचा है। सो गाइस फाइनली कप्पू की मेहंदी मैंने लगाने की कोशिश तो करी, सेम टू सेम वैसी, पर पता नहीं कैसी बनी है, कप्पू बताएगी बाकी। तो आप लोगों को कैसी लगी मेहंदी का डिज़ाइन तो कमेंट में जाके जरूर बताएं, देख लो आप लोग अच्छे से, अभी तो पूरा बन ही रहा है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को पसंद आया है, मैं मेहंदी लगा सकती हूँ लगा सकती हूँ तो वो भी बताना मुझे। सो गाइस आज फाइनली दिख रहे हैं पहाड़ों की तरफ बादल, और मेरे को सुनाई दिया कि वहाँ बारिश भी हो रही पहाड़ों में, तो थोड़ा सा मौसम आज अच्छा हो रहा, धूप चले गई है मतलब बादलों की वजह से, बाकी लू तो यहाँ चली गई है तो भावर ही ठहरा। दिखाते जरा दूर से दिखा, और ये देखो कबूली का हाथ कितना सुंदर लग रहा है यार, तू भी लगा दे मेरे हाथ में ऐसी। सो गाइस अभी हम लोग पी रहे हैं जीरा, जोधपुरी जीरा वाला, और ना मौसम इतना सुहाना हो रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं इतना मज़ेदार मौसम हो रहा है ना, ऐसी मौसम अगर दिन रात दिन भर ही ऐसी ऐसी मौसम होता था मैं ज़िंदगी जी लेती, और अगर धूप आ जाए ना तो फिर मैं प्राण निकालने को हो जा रही हूँ। ये देखो गाइस जोधपुरी जीरा, आपने तो पिया नहीं होगा। कबूली भी चले गई है घर को क्योंकि तूफान आ रहा है बड़ा भयंकर का, और मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी बोल रही थी वहाँ हो रखी है बारिश, तो अभी हम लोग भी दुकान वकान बढ़ा के चलते हैं घर को। सो गाइस चाबी चले गई कप्पू के पास, मैं लाई नहीं थी आज। मौसम ने इतना मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया ना, अभी इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, कल तक तो लू चल रही थी, अभी थोड़ा सा मुझे ठंडी ठंडी हवा लग रही कल के मुकाबले आज, और एक बारिश आती ना मज़ा आ जाता जीवन में, मैं तो नहा ही लेती बारिश में भाई को। अभी खाते हैं आम क्योंकि आम का सीज़न आ चुका है आप सभी लोग को पता होगा, और इसको देते हैं थोड़ा सा खाना क्योंकि बज रहा रात का 11 और तूफान आ गया है, तो अभी स्कूटी को लगाते हैं साइड में यहाँ पर, ऊपर से आम के पेड़ के फंदे वगैरह भी गिरते रहते हैं, तो अभी लगाते हैं इनको साइड में उधर, ऑन कर रखा है। चमक रही, काल भी चमक रही लगता है मुझे। और फिर से करके डाल, अपने इस ब्लॉग को करते हैं पर इन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।